नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस समय की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दो सरकारी नौकरी वालों को उनकी सरकारी जॉब से किया बरखास्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आइए आपको पूरी जानकारी दे दे कि किन दो लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्हें एलजी मनोज सिन्हा ने सरकारी नौकरी से निकाला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी देखने को मिली है और कई आम नागरिकों को यानी सिविलियंस को मारा गया है, निशाना बनाया गया है। और इन्हीं सबके बीच अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सईद अली शाह गिलानी के पोते उनके ग्रैंडसन अनीस उस इस्लाम को उनकी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे आप। अनीस उस इस्लाम के बारे में आपको जानकारी दे तो बता दें, जम्मू कश्मीर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी ICC में एज ए रिसर्च ऑफिसर काम कर रहा था, लेकिन आपको यह भी बता दें कि अब उनकी सर्विस से उन्हें हटाया गया है यानी टर्मिनेट कर दिया गया है। ये पहला नाम था जो सामने आया। और इनके अलावा जो दूसरा नाम है, बता दें डोडा जिले के एक टीचर फारूक अहमद भट्ट, उन्हें भी उनकी नौकरी से बाहर कर दिया है। इनके बारे में आपको बताएं तो इनके भाई मोहम्मद अमीन भट्ट एक सक्रिय लश्कर आतंकवादी है जो POK में काम कर रहा है और ऐसी जानकारी मिली है। सूत्रों ने यह बताया है कि फारूक अपने भाई के इशारे पर एक आतंकी हमला करवाने वाला था। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 यानी 311 आर्टिकल के तहत दोनों फारूक और अनीस को उनकी जॉब से बर्खास्त कर दिया है। और अभी तक प्रशासन द्वारा कोई स्पष्ट कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन आपको बता दें कि खबर यही है कि दोनों अनीस और फारूक पर इस समय आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के आरोप था। जी हाँ, उसी वजह से समय रहते दोनों के खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया गया है, ये सख्त कार्रवाई की गई है। एक बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कि सईद अली शाह गिलानी के पोते अनीस इस्लाम और उन्हीं के साथ साथ डोडा जिला के एक टीचर फारूक अहमद भट्ट को उनकी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया। ये समय की सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सरकार ने, तो सरकार ने पाकिस्तान प्रेस तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चलाई जा रही है और सईद अली शाह गिलानी के पोते उनके ग्रैंडसन पर भी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। और इसी के साथ बात करें घाटी में माहौल के जो चिंतापूर्ण है, तो सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और कश्मीरियों में इस समय एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। बता दें कई लोग माइग्रेट के लिए मजबूर हो चुके हैं और सरकारी नौकरी कर रहे लोग भी अपना ट्रांसफर मांग रहे हैं। हालांकि सरकार ने तुरंत नौकरी पर लौटने की बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि आतंकियों की ओर से फैलाई जा रही दहशत ने इन लोगों के हौसले पस्त कर दिए हैं। दर्शकों, ये थी आपके समक्ष एक बड़ा अपडेट इस समय का। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, कश्मीर में जो चिंतापूर्ण माहौल बना हुआ है उसी की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर दो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की बात करें जिनमें दो नाम सामने आए हैं, अनीस और फारूक, इन दोनों को इनकी जॉब से बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें एक बहुत ही बड़ी अपडेट है इस समय की, अनीस उस इस्लाम जो कि अली शाह गिलानी के पोते हैं, उन्हें भी उन पर भी एक्शन लिया है। और आपको बता दें कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला चल रहा है कश्मीर घाटी में, अगर कल देर शाम की बड़ी खबर की बात करें तो कल देर शाम भी दो नॉन लोकल रेजिडेंट्स को टारगेट किया आतंकियों ने, उनको मारा। अगर ये नॉन लोकल रेजिडेंट्स जो है, आपको बता दें अरविंद कुमार और इनके साथ साथ एक कारपेंटर का नाम सामने आता है, इन दोनों को निशाना बनाया और इन्हें गोली मारकर आतंकी जो है वो फरार हो गए। आपको बता जो हमारे सुरक्षा कर्मी और इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस काफी एक्टिव है, काफी अलर्ट पर है। इस समय कश्मीर घाटी में एनकाउंटर्स चलाए जा रहे हैं ताकि इन आतंकियों को, जो कि ये सिविलियन स्टार जो चल रहा था सिलसिला इनमें शामिल है, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इन्हें मौत के घाट उतारा जाए, इनका सफाया कर दिया जाए। इस समय सुरक्षा बलों पर यही उम्मीद जारी है कि वे जल्द ही इन जो हमलावर है इनको पकड़े और इन्हें मौत के घाट उतारे। तो ये थी बड़ी खबर इस समय की। ऐसे ही
भी और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये थी सबसे बड़ी खबर। इसी के साथ साथ हम आपके कमेंट्स, हमारे कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है इस बड़ी खबर को लेकर, जिस तरह से दो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को उनकी जॉब से बर्खास्त किया गया, आपके क्या विचार है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहे सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद दोस्तों।